अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? थोड़ा बेसिक डिस्कस की थी कंप्यूटर की, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इससे पीछे सी के बैकग्राउंड क्या था वो डिस्कस करेंगे इस बार। ठीक हो गया बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सी लैंग्वेज। तो बेटा सी लैंग्वेज आने से पहले भी बहुत सी लैंग्वेज आई थी, लेकिन मैं सी का आपको बता रहा हूँ कि सी लैंग्वेज बेसिकली है क्या, ठीक है। तो बेटा आपके पास की पॉइंट टाइप बना लें जिसमें हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ठीक है, ये स्पेशल पर्पस नहीं है। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, ये बैकग्राउंड में आता है ये सब चीजें, ठीक है। ये एमसीक्यूज का भी सवाल है कि किस टाइप की लैंग्वेज है, तो जनरल पर्पस लैंग्वेज है ये। समझ में आ रही है सी लैंग्वेज? अच्छा, इसके बाद में इसके साथ चलता हूं डिजाइन पर। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज किसने डिजाइन की है, ठीक है, किसने डिजाइन की है? एक बंदा था डेनिस रिची, डिजाइन बाय डेनिस रिची नामी एक बंदा था जिसने ये डिजाइन किया है। अच्छा, उसने काम स्टार्ट किया था 1969 में, कुछ 1969 से 1973 ये ड्यूरेशन था जब उसने लैंग्वेज बनाई। लेकिन अक्सर किताबों में या अक्सर जगहों पे आपको ये मिलेगा कि 1972 डेट जो बताई गई है, 1972 में सी लैंग्वेज वजूद में आई, ठीक है। लेकिन जो काम चल रहा था उसका प्रोसीजर में था, जैसे लैंग्वेज तो बन गई थी, लैंग्वेज आ गई थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लाइब्रेरी एड हुई और दीगर और भी चीजें थी जो कि बाद में आती गई, जिस वजह से उसको 1973 बोला हुआ है। लेकिन जो मेन इसकी डेट है वो 1972 बताई गई है काफी जगह पे। तो इस वजह से हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं ये डिजाइन हुई है कब, 1970s में, ठीक है। अक्सर जगह पे पूछा जाता है कि डेनिस रिची ने जो डिजाइन किया सी लैंग्वेज वो कौन से ईयर में की, तो हम ये बताते हैं कि वो डिजाइन हुई है 1970s में, क्योंकि फिक्स ईयर नहीं पता है, 1971 है, 73 है, 72 है, बाद जगहों में 72 मिलेगा आपको, ठीक है। इस वजह से हम ये करेंगे। अच्छा, डिजाइन तो हो गई डेनिस रिची की। अच्छा, कहाँ पे की? ये एक डिजाइन हुई है बेल लेबोरेटरी में, AT&T लेबोरेटरी, ठीक है। बेल लेबोरेटरी, AT&T का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, ये एक कंपनी है, ठीक है, AT&T के नाम से यूएसए में, ठीक है, यूएसए में एक कंपनी फाइज है इसकी। AT&T का क्या मतलब है, AT&T शॉर्ट में लिखा हुआ है, एक्चुअली इसका बहुत बड़ा नाम है। क्या नाम है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, ठीक है, ये अपने बार नोट डाउन कर लें, AT&T क्या है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। ये चीजें वो चीजें जो कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और आपको आगे जाके ईकेट में भी काम आएंगी, तो अपने पास नोट डाउन करें ये चीज। ठीक है, बेल लेबोरेटरी में AT&T नामी कंपनी है, इसके अंदर तैयार हुई। अच्छा, ये है यूएसए में, ठीक है, यूएसए फाइल है इसके साथ जिक्र है। अच्छा, जब ये बनी थी तो कौन से कंप्यूटर पे बनी थी, ठीक है, डिजाइन तो हुई है लैंग्वेज, लेकिन किस कंप्यूटर पे हुई, तो ये आपको बताएंगे, मिनी कंप्यूटर पे डिजाइन हुई है, ठीक है बेटा। डिजाइन ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी लिख लेते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन की बात है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
अच्छा किस कंप्यूटर पे डिजाइन हुई? ये डिजाइन हुई है बेटा मिनी कंप्यूटर पे। अच्छा और मिनी कंप्यूटर का नाम? टेक पीडीपी। मुझे जहां तक याद है वो ये नाम है DPD-11, टेक DPD-11। बाकी आप बुक में देख सकते हैं अपनी, या बुक में अगर मेंशन नहीं होगा तो गूगल कर लेना। लेकिन जहां तक ये है कि डिजाइन ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मिनी कंप्यूटर। जब मिनी कंप्यूटर का दौर था तो यूनिक्स का दौर था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इससे पहले हम MS-DOS चलाते थे, तो अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिनी कंप्यूटर था। मिनी कंप्यूटर का नाम मैंने आपको बता दिया, DEC-PDP-11। ठीक है, अच्छा पीडीपी का मतलब है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। ये बात जो पास मेंशन करें ना, पीडीपी का मतलब है प्रोग्राम डेटा। ठीक है, प्रोग्राम। अच्छा मिनी कंप्यूटर का नाम होने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं आपको बता दूं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स से पहले का दौर है। ठीक है, इस पे हम कमांड लाइन बेस पे काम करते हैं, ग्राफिकल नहीं है ये। ग्राफिकल जैसे हमारी विंडोज विंडोज है, वाकिफ हो गया आप GNU से और CLM से। तो कमांड लाइन इंटरफेस है ये, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है। यूनिक्स की फुल फॉर्म भी लिख लो अपने पास। ठीक है, यूनिक्स की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इंटरेक्टिव एक्सिक्यूटिव। ठीक है, अपने वहां नोट डाउन कर लें ये सी, मैं यहां लिख देता हूँ। यूनिवर्सल इंटरेक्टिव एग्जीक्यूटिव यूनिक्स की फुल फॉर्म बताई है मैंने। समझ में आ रही है बात? ये फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ ले, और भी फुल फॉर्म होंगी जो मैं आपको दीगर पर दीगर बताता रहूंगा, क्योंकि ये MCQs में बहुत आती हैं, और इसके बाद ईकेट जो आपका होगा उसमें भी ये चीज बहुत आने वाली है। अच्छा सी डिजाइन होने के बाद, हर लैंग्वेज जब डिजाइन होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक स्टेब्लिश कमेटी है, जो कमेटीज होती है हमारी, जैसे अमेरिका की बड़ी वो है कमेटी है ANSI NC। ठीक है, उसका नाम है NC। जहां से हर छोटी मोटी चीज जो है जब वजूद में आती है तो उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, उसको एक स्टैंडर्डाइज सर्टिफाइड किया जाता है कि हाँ ये लैंग्वेज सही है या ये चीज, ये कंप्यूटर सही है। तो उसको सर्टिफाई करने के लिए कमेटी डिजाइन हुई थी 1989 में। 1989 में जब ये आई, 1989 में इसने सी को सर्टिफाइड किया कि यार ये जो लैंग्वेज है ये सही है। इसकी लाइब्रेरीज देखी, चेक इन बैलेंस किया, डॉक्यूमेंट देखी सी लैंग्वेज की, और उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये लैंग्वेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं, बहुत सी कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनको सर्टिफिकेशन नहीं है और जो चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो NC जो है, ANSI, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लें अपने पास। इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये खुद ही एस्टेब्लिश हुई थी 1983 में। ठीक है, और इसने जो सर्टिफाइड किया था वो किया था 1989 में। इसके बाद एक और कमेटी है ANSI के बाद, एक और कमेटी है ISO। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसने भी सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया है। क्या किया है? 1989 में ANSI ने किया, ISO ने 1990 में इसको सर्टिफाइड कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आज तक ये सी लैंग्वेज आप लोग भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है। अब मैं नहीं समझता कि इस पर प्रोग्रामिंग करनी भी चाहिए इन फ्यूचर, लेकिन अब तक जो आप पढ़ रहे हैं वो यही है कि ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंटरफेस इसका अच्छा है, लोगों को इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो अच्छा लगा है, और इस पर काम करने में मजा आ रहा है। इस वजह से बाज लोगों को वो ब्लू स्क्रीन जो है टर्बो सी वो पसंद होती है, लेकिन बाज लोगों को जो है डेव सी प्लस प्लस है, सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, टर्बो सी प्लस है और एक है डेव सी प्लस प्लस। तो सबको अपना अपना इंटरफेस अच्छा लगता है। जैसे आप लोग काम करते हैं ब्लू स्क्रीन पर, तो
ठीक है, टर्बोसी पे काम करते हैं आप लोग, जो कॉलेज में आपका होगा प्रैक्टिकल होगा वो ब्लू स्क्रीन पे होगा, लेकिन जो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा डेफ सी प्लस प्लस। बात दोनों में सेम है, प्रोग्रामिंग दोनों में सेम होती है, सिंटैक्स दोनों में सेम होता है, बस क्या है जो आपका एनवायरनमेंट है उसका फर्क है। ठीक है, तो ये होता है सबका अपना अपना वो होता है, जो उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो अलग है बस थोड़ा। अच्छा, इससे पहले की जो लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज किसको किस चीज को देख के बनाई, डेनिस रिची ने, डेनिस रिची ने ये देख के बनाई थी BCPL, एक कोबोल लैंग्वेज जो इससे पहले आई है, ठीक है, और एक है BCPL और बी लैंग्वेज। अच्छा, BCPL लैंग्वेज कौन सी है, ये बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आ रही, मैं लैंग्वेज का नाम क्या लिख रहा हूँ, किसको देख के डेनिस रिची ने बनाई है, BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, 1966 में आई थी, काफी पुरानी बात है। मार्टिन रिचार्ड एक बंदा था, मार्टिन रिचार्ड और जिसकी एयर तो नहीं पूछेगा कोई, ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक सी था, सी के मैंने रिलेटेड आपको एयर बता दिए, हर चीज बता दी, इसका आपसे कोई नहीं पूछेगा। अगर आप चाहो तो मैं बता देता हूँ, मार्टिन नाम का बंदा था जिसने BCPL डिजाइन किया 1966 में, मार्टिन रिचार्ड, ठीक है। ये जब आ गई थी इसके बाद इससे इंस्पायर होकर डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज जनरेट की थी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें नहीं थी, लाइब्रेरीज नहीं थी, ठीक है, और प्रोग्रामिंग इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, इस वजह से हमारे वजूद में आई सी लैंग्वेज। और इससे पहले भी दीगर बहुत सी लैंग्वेज आ चुकी हैं, जैसे कि फोर्ट्रान है, लिस्प है, कोबोल है, ठीक है, सबके अपने अपने एयर हैं और अपनी अपनी चीजें। अच्छा, सवाल ये भी हो सकता है आपसे कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस कंप्यूटर पे डिजाइन हुई, तो बेटा आप छोटी क्लासे पढ़ते हुए आते हैं, Z1 कंप्यूटर नाम था Z1, ठीक है, एक ज्यू नाम के बंदे ने बनाया था, ZUSE, खैर नाम तो ऐसा ही याद भी नहीं हो रहा, इसने बनाया था Z1 कंप्यूटर पे, फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इस पर डिजाइन हुई थी, ठीक है। तो ये भी अपना आवाज नोट कर लें आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, इस वजह से ये चीजें आ सकती हैं। इसका मैं इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना आपने आपका नहीं आ सकता, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक हो गई बात। इसके बाद आगे चलते हैं, ये थी आपकी पूरी हिस्ट्री सी लैंग्वेज की, जो हिस्ट्री है वो ये है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। कोई सवाल ना हो बेटा तो आप चैट बॉक्स में मुझे नो लिख के बताएंगे, ठीक है, अपनी हाजिरी दिखाएंगे, इससे हमें मुझे भी पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा सो रहा है या कौन बच्चा कहीं दूसरे कामों में मसरूफ है, ठीक है। थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग करें, थोड़ा सा कॉपरेट मैं करूंगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं बेटा प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस पर, ठीक है। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब यह है कि एक प्रोग्राम जो है उसको डेवलप करने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लें, क्यों, अगर आपने नोट्स नहीं लिए अभी तक कोचिंग से तो बुक खोल लें, नोट्स में भी मैंने बताया हुआ है इस बारे में कि कितने आपके पास प्रोसेस हैं, कितने प्रोग्राम डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं। तो बेटा 5 प्रोसेस हैं आपके पास, ठीक है, वो 5 प्रोसेस मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, एक जब कुछ भी सॉल्यूशन, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई चीज करनी, तो सबसे पहले बेटा आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो प्रोग्राम किस चीज का बनेगा, तो आप सॉल्यूशन किस चीज का निकालेंगे। तो सबसे पहले जो आती है वो आपके पास प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम आ गई, लेट्स सपोज आपने दो वेरिएबल है, दोनों का सम करके बनाना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामर जो है वो बैठ के प्रॉब्लम मांग रहा है कि बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम एंड आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्वर,
वो बोलेगा दो वेरिएबल है दोनों का सम करवा दें, छोटी सी चीज है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो वेरिएबल है दोनों का सम करवा दें। तो बेटा सम करने के लिए उसने ये आ गए प्रॉब्लम उसके पास, अब वो डिफाइन करेगा क्या। अच्छा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं कि भाई क्या क्या डिफाइन करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, इसमें डिफाइन करनी है तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दें। इसमें पहली चीज क्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सवाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं इसमें कि ऑब्जेक्टिव बता दें, डिटरमाइन कर दें प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, प्रॉब्लम बताने के बाद वो उससे पूछते हैं भाई आउटपुट इसका कैसा आना चाहिए। फिर पूछेगा इनपुट कैसा आना चाहिए। ये दो चीजें बहुत अहम है, आउटपुट और इनपुट। ठीक है, आउटपुट इनपुट का क्या मसला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा यूजर चाहता है हमें तो वैसा ही चाहिए ना, हमें तो वैसे ही बना के देना है, हम प्रोग्रामर है, यूजर जैसा बोलेगा हमें वैसा ही करना है। यूजर बोलेगा आउटपुट में मुझे तीन हेडिंग चाहिए तो तीन हेडिंग देनी पड़ेगी, हमारा काम तो एक हेडिंग में हो जाएगा, लेकिन हमने उसकी सुननी है कि उसको आउटपुट कैसा चाहिए। अगर आउटपुट उसके वैसा नहीं मिला तो बात खराब हो जाएगी, मसला हो जाएगा। ठीक है, ये हम सब क्या बात कर रहे हैं, ये डिफाइनिंग प्रॉब्लम, अभी सिर्फ प्रॉब्लम डिफाइन हो रही है। उसके बाद एक और लास्ट चीज है डिफाइनिंग प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो ये प्रोग्राम प्रोसेस होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। किस सॉफ्टवेयर पे होना चाहिए, ठीक है, इसमें बैकएंड कौन सी डालनी चाहिए। लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट में मैंने फ्रंट एंड डाल दी HTML, फ्रंट एंड मैंने काम कर दिया HTML का, या बूटस्ट्रैप लगा दिया, CSS डाल दिया, सब हो गया। लेकिन अब वो बोलूंगा रिक्वायरमेंट क्या है, मैं डेवलपर के पास गया, मैंने बोला बैकएंड डालनी है इसके अंदर। आगे बैकएंड क्या पूछेगा कि बैकएंड कौन सी डालनी है, क्या PHP में डाल दूं, पाइथन की लगा दूं, MySQL डालना है, डेटाबेस पे काम करना है, क्या करना है। तो यहाँ वो मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म कौन सा है, अगर पाइथन लगा रहा है तो उसको प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, अगर मैं PHP पे काम कर रहा हूँ तो कोग्निटर और लारावेल की तरफ चला जाऊंगा, वो अलग चीज है, फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स जरूरी है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम डिफाइन करने में मुझे चार चीजें चाहिए, यहाँ तक प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, कोई सवाल हो तो बताएंगे आप। ठीक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम पहले पार्ट के चार चीजें, जो चार चीजें मैंने आपको बता दी, एक ऑब्जेक्ट बताना चाहिए, आउटपुट बताना चाहिए, इनपुट और आखिरी चीज रिक्वायरमेंट। ठीक हो गई बात, इसके बाद एक प्रोसीजर आता है सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड है प्लानिंग द सॉल्यूशन। प्लानिंग द सॉल्यूशन, प्लानिंग, अच्छा प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, अब प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन करता है, बैठ के सॉल्यूशन देखता है, प्लान करता है कि क्या भाई क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या नहीं हो सकता। सबसे पहले वो देखता है मॉडल क्या है, जो प्रोग्राम में डिजाइन करूंगा उसका मॉडल क्या है। तो बेटा मॉडल के अंदर देखें, टॉप डाउन है जिसे हम कहते हैं मॉडल या मॉड्यूल कह लो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये बनता है हमारे पास, वो सर्च करता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, हमें इससे ये सॉल्यूशन बनाना है, इससे ये निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये काम हो सकता है। एक होता है नीचे से ऊपर, ये तो जाते हैं ऊपर से नीचे, एक जाते हैं नीचे से ऊपर, आउटपुट ये आ गया, आउटपुट लेने के लिए हमें क्या क्या चीज जरूरत होगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है टॉप डाउन हमारा। ठीक है, जब आगे जाएंगे आप प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिस दिन, उस दिन आपको बात समझ आएगी कि मॉड्यूल टॉप डाउन क्या चीज होती है। ठीक है, अभी आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो छोटे मोटे प्रोग्राम करेंगे, सेकंड ईयर है तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके बिल्कुल सीख जाएंगे। इसके बाद एक चीज आती है एल्गोरिथम। जब प्लानिंग हो रही होती है तब एल्गोरिथम मस्ट होता है। एल्गोरिथम ये होता है आप खाका जब खींच रहे होते हो, जब एल्गोरिथम की मिसाल में ऐसे दूं आपको, अगर आपको चाय बनानी है
ठीक है। तो चाय बनाने के लिए एक रेसिपी चाहिए होगी, पानी लेना है, पत्ती बदलनी है, इतना दूध डालना है, इतनी चीनी डालनी है, और स्टेप बाय स्टेप काम करते हो। पहला स्टेप है हम पानी डालेंगे, दूसरा स्टेप है हम दूध डालेंगे, ठीक है, तीसरा स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहा होता है, ठीक है, जो रेसिपी बन रही है, तो इसके प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोग्राम में आपने शुरू में ये करना है भाई हमने 3 वेरिएबल लेने हैं, या मैंने जो सैंपल दिया वो के 2 वेरिएबल का सम कराना है। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे आपके पास, हम सबसे पहले 2 वेरिएबल असाइन करेंगे, 2 वेरिएबल के बाद उनको सम करेंगे एक तीसरे वेरिएबल के अंदर, और उसको शो करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये स्टेप्स जो है ना, स्टेप्स होते हैं हमारे एल्गोरिथम, एल्गोरिथम लिखेंगे प्लानिंग के अंदर। उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट, जो हमारा सॉल्यूशन है, आउटपुट आ रहा है उसका फ्लो क्या है। फ्लो चार्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम जो आप लिखते हो उसी को ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दो, डायग्रामेटिकल फॉर्म में, तो फ्लो चार्ट बन जाता है, बहुत आसान है। ये तो हम करेंगे, खैर आपका चैप्टर नंबर 2 है, हम करेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन यही तक है। इसके बाद है आगे आपके पास प्रोग्राम की कोडिंग, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जब आपके पास प्लानिंग बन गया, ये ऐसा ऐसे मैंने सॉल्व करना है, अब आप जो आ जाओगे कोडिंग पर, और कोडिंग स्टार्ट, कोडिंग की कोई और टाइप नहीं है, कोडिंग स्टार्ट। यहाँ पर कोडिंग हो जाने के बाद, जब आपका प्रोग्राम बन गया, जब सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया आपका, इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर है, इसके बाद आज के बाद प्रोसीजर है टेस्टिंग का, कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो प्रोग्राम लिख दिया है पूरा, आया वो सही है या गलत है, मतलब उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट प्रोग्राम बना तो टेस्ट होगा, ठीक है। तो चौथा क्या है, टेस्टिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम। इसमें वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, कि भाई कोई प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, और अगर होगा तो वो वापस कोड होगा, ठीक है, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पांचवे स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्टेप मैं फर्दर डिफाइन करूंगा यहां पर, एरर का स्टेप जो है ना, मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं अभी, पहले मैं पांचवा बता दूं। टेस्टिंग में वो ये चेक करता है सेंटेक्स एरर और लॉजिक एरर, ठीक है, एक सेंटेक्स एरर और एक लॉजिकल एरर। और एक लॉजिकल एरर, ये 2 किस्म के एरर है। अच्छा, इस एरर में होता क्या है, सेंटेक्स क्या है और लॉजिकल क्या है। तो बेटा सेंटेक्स होता है की राइटिंग, क्या राइटिंग, कि भाई प्रोग्राम जो है, अगर अगर आप वाकिफ हो 9-10 में, अगर आपने GW बेसिक की है, अगर तो GW बेसिक में हम क्या करते थे, हम लिखते थे, एग्जांपल दे रहा हूं, 10 CLS, ये तो याद होगा सबको, मैं कोई और बड़ी चीज में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ 10 CLS, ये सबको याद है। 10 CLS का काम क्या होता था, काम ये होता था उसका कि जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर देना। यहां तक सब साथ है मेरे, तो अगर मैं इसमें कर दूं कुछ आगे पीछे, क्या कर दूं, मैं एस हटा दूं, मैं यहां से एस हटा दूं, तो ये देखिए सेंटेक्स एरर होगा या लॉजिकल एरर होगा, कोई बच्चा बता सकता है, वेरी गुड, सेंटेक्स होगा, बिल्कुल सेंटेक्स होगा, क्योंकि CLS जो वर्ड है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हुई, ये सिर्फ सेंटेक्स है, ठीक है। अगर मैं कैसे कर दूं, C is equals to, प्रोग्राम मांगा है किसका,
एडिशन का, प्रोग्राम मांगा है सम का। मैंने क्या किया, दो वेरिएबल के दौरान सम करना था, मैंने क्या किया ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये मैंने लॉजिक गलत बना दी। अब जो फर्दर मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तो वो तो गलत निकलेगा, क्योंकि मेरे सी का जो रिजल्ट आया वो तो मल्टीप्लाई करके आ गया, मुझे तो सम चाहिए था। ये लॉजिक मिस्टेक है, लॉजिक ही गलत बना दी मैंने, ठीक है। और अगर सेंटिक्स मसला, सेंटिक्स की मैंने एग्जाम्पल दी CLS, ठीक है। अगर प्रिंट एफ कमांड है तो मैं अगर प्रिंट एफ लिख दूं तो प्रिंट एफ नहीं है, वो प्रिंट एफ है, बात को समझना, तो वो सेंटेक्स में जाएगा, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये फर्क है एरर का। अच्छा, जब टेस्ट हो जाएगा सब चीज क्लियर है, एरर भी नहीं है कोई, तब हम कहां आ जाएंगे, हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर। फिफ्थ स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किसकी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, समझ में आ रही है। अच्छा, ये क्या होता क्या है, ये होता है गाइड, गाइड फॉर यूजर। आप जब कोई भी चीज लेने जाते हैं, नई इलेक्ट्रॉनिक की आप लेने गए, फ्रिज, फ्रिज जब लेके आएंगे तो डब्बे में आपको मिलेगी एक बुक जिसमें लिखा होगा फ्रिज को कैसे यूज करना है। आप लेने जाएंगे न्यू मोबाइल, न्यू मोबाइल का जब डब्बा खोलेंगे तो उसमें एक बुक निकलेगी, बुक में क्या होता है, बुक में होता है कि मोबाइल को यूज कैसे करना है, उसका यूसेज, वो गाइडलाइन होती है यूजर के लिए, यूजर मतलब आप, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट भी इसी तरह बनता है हमारे प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर का, जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप इंशाल्लाह आगे जाकर, ठीक है। और तो उसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसकी कीज कौन सी है, इसमें क्या क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनती है, उसके बाद फाइनलाइज होकर आप अपने सॉफ्टवेयर को बेचने जाते हैं, ठीक है। जाहिर है सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बेचेंगे तो सही, अपने लिए थोड़ी बनाएंगे, घर में थोड़ी रखना है। तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप बेचते हैं, अदरवाइज अलाउ नहीं होता आपको बेचना, ठीक है। ये हो गई बात। अब आते हैं थोड़ा सा टेस्टिंग का, मैं फर्दर बता दूं आपको कि टेस्ट जो हो रहा होता है उसको, जो एरर फाइंड होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहां तक सबको बात क्लियर है, ये पांच प्रोसेस, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। अब मैं टॉपिक से बिल्कुल हट रहा हूं, मैं डिबगिंग की तरफ जा रहा हूं, टेस्टिंग की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक यहां तक खत्म है, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। लगता है क्लास हो रही है, मैं डीबगिंग की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। डीबगिंग में क्या है, आप किस किस तरह से एरर को चेक करते हो, मतलब प्रोग्राम को चेक करते हो और टेस्ट करते हो, वो सब तरीके मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है टेस्ट चेकिंग। तो डैश चेकिंग क्या है बेटा, डैश चेकिंग है ऐसी चेकिंग जो कि आप हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल कर आप पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करें, ठीक है, और एरर फाइंड करें, ठीक है, और उसमें कोई एरर निकलता है तो आप प्रोग्राम में वो दोबारा कोड करें। डैश चेकिंग यही है सिर्फ, ठीक है। प्रिंट आप निकालते हैं, इसके शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो आपको इसको कह सकते हो अ सॉर्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग, ठीक है, सॉर्ट ऑफ प्रूफ रीडिंग। आप रीड करते हो और उसके बाद अपना जो टेस्टिंग है, एरर है, जो भी ऐसी चीज है वो आप इसमें बता सकते हैं और अपनी इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप पे आता हूं, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, बहुत आसान सी बात थी। इसके बाद दूसरी टाइप पे आता हूं मैं, दूसरी डिबगिंग का प्रोसेस क्या है, मैनुअल टेस्टिंग विद सिंपल डेटा। मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है, कुछ डेटा आपके पास पड़ा हुआ है उसको आपने करना है मैनुअल टेस्ट। मैनुअल टेस्ट का मतलब है ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन क्या मतलब, कि आप यहाँ तो पेपर में रीड किया था, वहां पे आप आउटपुट के साथ चेक करते हैं कंप्यूटर के अंदर, मैं लिख रहा हूँ ड्राई रन,
मैनुअल टेस्टिंग का मतलब ड्राई रन, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के खुद ही प्रोग्रामिंग में चेक कर रहे होते हैं लाइन बाय लाइन, और उसका आउटपुट भी देख रहे होते हैं कि ये करने पे ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इसको ड्राई रन कहा जाता है कि हम लोग पूरी लाइन टू लाइन प्रोग्राम के अंदर जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको मैनुअल टेस्टिंग कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हो गए डिबगिंग के दो टाइप। अब एक और तीसरी टाइप बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर वॉक थ्रू, ठीक है। स्ट्रक्चर वॉक थ्रू, ये सारी डिबगिंग की टाइप्स बता रहा हूँ कि किस किस तरह से हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर वॉक थ्रू में क्या है, हम प्रोग्राम के क्या चेक करते हैं कि प्रोग्राम की क्वालिटी, डिजाइन की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, उसकी कंप्लीटनेस चेक करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में ये बातें सारी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या आप अपने पास नोट डाउन कर लें और बुक में देख के आप पढ़ सकते हैं कि यार ये सब ने बताया था। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, ठीक है, और डिजाइन। तो ये बात है स्ट्रक्चर वॉक थ्रू की। इसमें आप सब आप लोग ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज सही, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और डिजाइन कैसा है। अच्छा, इसके बाद आते हैं अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन। अटेम्प्ट एट ट्रांसलेशन कोई इतना खास नहीं है, इसमें सिर्फ आप लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और किसी ने कोई लैंग्वेज मांग ली तो उस लैंग्वेज में देते हैं, कि किसी ने बताया कि नहीं मुझे फारसी में चाहिए प्रोग्राम, तो लैंग्वेज का मसला होता है, इसमें कोई डिबगिंग का कोई एरर फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। जो बड़े बड़े एरर है वो ऐसे नहीं होते, ये तो एक छोटा मोटा बताया हुआ है। इसके बाद में अगले पे आता हूँ, टेस्टिंग सैंपल डेटा, ठीक है। टेस्टिंग सैंपल डेटा, लेकिन नाम आपको नहीं याद होगा, इसको एक नाम ले, अल्फा नाम, अल्फा टेस्टिंग नाम है इसका, वही दे देता हूँ डायरेक्ट, एक अल्फा टेस्टिंग होती है, एक बीटा टेस्टिंग होती है। ये है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग काम सिर्फ करती है रिजल्ट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर आपके, ठीक है। जो भी आपका आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट होगा, ये उस पर आपका काम करेगी, और मतलब जो आप रन कर रहे होते हो टेस्ट, सिर्फ आउटपुट को देख के काम कर रहे होते हो। जहाँ आउटपुट खराब आएगा आप वापस प्रोग्राम में जाएंगे, उसको रीराइट करेंगे और खत्म करेंगे जो भी एरर है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट टेस्टिंग, ये कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, याद रखना ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, ये कीवर्ड है, कीवर्ड आप देखकर रट्टा नहीं मारना, जो समझा रहा हूँ जो बोल रहा हूँ उसको एक बार सुन लेना आपने, और उसको बार बार आप रिवाइज करते रहें, खुद ही बात खुद ब खुद जहन में बैठ जाएगा, जो वर्ड है ये वर्ड से आपको डेफिनेशन याद रहेगी, ठीक है। तो आप अपने ओन से लिख सकते हैं। इसके बाद होती है एक बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग किसके लिए होती है, जब आप अपने सॉफ्टवेयर को सोल्ड करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो ये उसके लिए होती है, आपको कमर्शलाइज करने के लिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम रियल रन रियल वर्ल्ड डेटा होता है, लेकिन हम उससे इतना याद नहीं करते, हम बीटा टेस्टिंग से याद रखते हैं। तो ये सिर्फ यूज होता है सॉफ्टवेयर बेचने के लिए होता है, कमर्शियली जब बात कर लें, कमर्शियली जब हम सॉफ्टवेयर को बेचने जाते हैं तो ये तब टेस्ट किया जाता है, इस पे डॉक्यूमेंटेशन भी चेक होती है रिजल्ट के साथ। तो ये कुछ बातें थी डिबगिंग की बेटा, 6 इसके डिबगिंग के प्रोसेस हैं, 6 तरीके टेस्ट करने के जिससे एरर फाइंड हो सकता है, ठीक है, किया जा सकता है एरर फाइंड। ये अपने पास नोट डाउन कर लें, यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछें चैट बॉक्स में। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में लग जाता है, ठीक है, और डिबगिंग के प्रोसेस से अक्सर एमसीक्यूज देखा है मैंने, अक्सर आ जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के साथ आपने याद करनी है, और डेफिनेशन कैसे करोगे, इनकी नाम में डेफिनेशन है, प्लानिंग द सॉल्यूशन की डेफिनेशन नाम नहीं है, कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम, कोडिंग के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है बस, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनने, और आपने ये करना है। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, पहले चैप्टर की आप रीडिंग कर लें, पढ़े उसको, घर में कोई सवाल हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछे, ठीक है। आज का लेक्चर मैं अपना यहीं तक रखूंगा, अल्लाह हाफिज़।